बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमने जीसी लाहौर में एडमिशन जो है अपना सिक्योर कर लिया है, हमने ये बता दें कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जस्ट मॉर्निंग वालों को हॉस्टल मिलेगा या इवनिंग वालों को भी मिलेगा। जीसी लाहौर के हॉस्टल के हवाले से जो बकाया तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है जीसी लाहौर की जानब से स्टूडेंट्स, वो आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आपने पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, फी जमा करवा दी है जीसी लाहौर में, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया था, जिन्होंने अपना एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत मुबारक हो। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें आपके हॉस्टल की, तो स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल के हवाले से जीसी लाहौर की जानब से जो है वो एडमिशन नोटिस हॉस्टल का भी जारी कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने जो है वो क्लियरली मैंशन किया है, जो इसमें उन्होंने हॉस्टल में के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियरली बताया हुई है प्लीज टू अनाउंस डेट हॉस्टल एडमिशन फॉर दी एकेडमिक ईयर 2023 से 2024 इज नाउ ओपन फॉर दी एप्लीकेंट्स। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो एडमिशन पोर्टल है, आपका जो हॉस्टल के लिए पोर्टल है वो भी ओपन कर दिया गया। आपने अप्लाई स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताऊं तो जिन स्टूडेंट्स ने मेन कैंपस जीसी लाहौर में बीएस में एडमिशन ले लिया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करना है, इसकी वेबसाइट पर स्टूडेंट्स आपने जाके अप्लाई करना है और वहाँ पर जो आपके अप्लाई फॉर दी एडमिशन ऑप्शन हॉस्टल के लिए स्टूडेंट्स उधर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन होगी उसको फिल करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ली जाएगी, पर्सनल अकाउंट आप बनाएंगे उस पर अपना जो है इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की हॉस्टल के लिए वो स्टूडेंट 6 अक्टूबर 2023 है। तो आज स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर है, तो आपके पास 1 अक्टूबर आज आपके पास 5-6 दिन का टाइम है, लाजमी तौर पर इसकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर लें ताकि आपको हॉस्टल की जो अरेंजमेंट है वो मिल जाए। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो है वो हॉस्टल की फी के हवाले से जो है वो क्लियरली कुछ भी मैंशन नहीं किया, जस्ट अप्लाई प्राइस के हवाले से जो है वो अपडेट शेयर की है। सिलेक्शन प्राइस उन्होंने मेंशन कर दिया कि सिलेक्शन प्राइस जो है वो आपने इसका ओपन मेरिट पे जो मेरिट बनेगा, शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनका बकाया तौर पर इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको जो हॉस्टल है वो दिया जाएगा, क्योंकि हॉस्टल में जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स को ही वो हॉस्टल देते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि सिगरेट नोशी या दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको बिल्कुल भी हॉस्टल में कोई भी फैसिलिटेशन है वो नहीं दी जाती और हॉस्टल भी नहीं दिया जाता। बकाया तौर पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको जज किया जाएगा कि आप किस कंडीशन में हैं, आप हाइजीनिकली किस कंडीशन में हैं, आप सिगरेट का इस्तेमाल तो नहीं करते। बंदे को अगर बंदा आप जो उधर एक्सपर्ट बैठे हैं वो इंटरव्यू के लिए उनको पता चल जाता है कि बंदा ये किस टाइप का है, तो आपका बकाया तौर पर इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जो खासतौर पर मेल स्टूडेंट्स हैं उनको जज करने के बाद हॉस्टल की जो अलाटमेंट है वो दी जाएगी। स्टूडेंट्स ये इसका प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपका मजीद कोई सवाल हो तो उन्होंने जो है वो एक अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक नंबर भी शेयर किया नोटिफिकेशन में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। तो उन्होंने यूएससी वालों ने एक अपना जो है वो नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप किसी मुश्किल की कंडीशन में, आप किसी डिफिकल्टी की कंडीशन में उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था जीसी लाहौर की जानब से, इसके हवाले से आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।